देखो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूरा ख़त्म कर चुके थे, फिर हम लोग देखे थे उसके समरी की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या क्या पढ़े थे और कहाँ से सवाल हम लोग को पूछा जाता है। पिछले क्लास में ही एक रिलेशन को बताए हुए थे, क्या रिलेशन था तो हम लोग देख रहे थे मोलर मास, किसके बीच में देख रहे थे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सवाल कहीं ना कहीं जो बनता है वो मोलर मास से ही ज़्यादा बनता है। तो यहाँ से एक और कंसेप्ट हम लोग को जेनरेट होना स्टार्ट हो गया कि जैसे पिछले क्लास में बताए हुए थे किसका कहानी, तो सर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था जिससे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट किया करते थे वो कैलकुलेशन 100% सही नहीं था, कोई कोई कंडीशन पे सही था, मैक्सिमम कंडीशन पे जाके क्या हो जा रहा था गलत हो जा रहा था। गलत तो तब होगा जब सर जो हम लोग सॉल्यूट वहाँ पे ऐड करेंगे अगर ये सॉल्यूट सॉल्यूशन बनाने के बाद दो कंडीशन को फॉलो कर सकता है, या तो फिर जाकर के वहाँ क्या हो जाए डिसोसिएशन हो जाए मतलब जाकर के टूट जाए, या तो फिर सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो जाए वो एसोसिएशन हो जाए। तो अगर ये दो कंडीशन हो रहे थे तो इसके कारण से हम लोग को क्या हो रहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंजेस देखने को मिल रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि सर हम लोग देख रहे थे कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का। कहने का मतलब सर हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को वही हम लोग पढ़े थे कि जितना वहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होगा सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को बढ़ाएंगे तो उसके पीछे रीजन जो होगा वो कहीं ना कहीं हम लोग को किसको देखने को मिलेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, मतलब अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ा, इसको घटाएं तो ये भी क्या हो गया घट गया। अब जैसे हम लोग कहा था कि जैसे हम लोग सॉल्यूट को यहाँ पे हम लोग दो लेकर के चल रहे थे, ठीक है आ जाओ, अगर यदि हम लोग यहाँ पे सॉल्यूट का जो संख्या था वो अगर यदि हम लोग ले रहे थे कितना दो, अब यहाँ पे सॉल्यूशन बनाने के बाद दो कंडीशन होता है, एक तो डिसोसिएशन हो गया तो जो हम लोग दो ले रहे थे वो दो ना होकर के हो सकता है यहाँ पर कितना बन जाए चार बन जाए, तो हम लोग इसके अनुसार हम लोग सॉल्व कर रहे थे और पता चला जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था वो किसके अकॉर्डिंग आया था चार के बेसिस पे, क्योंकि वहाँ पे जाकर के क्या हो जा रहा था टूट जा रहा था, तो हम लोग निकाल रहे थे इसका वैल्यू और निकाल रहा था एक्चुअल क्या चाहिए इसका वैल्यू जो कि एक दूसरे से मैच किया नहीं। दूसरा कंडीशन ये था कि हम लोग यहाँ पे लेक चल रहे दो सॉल्यूट और हो क्या रहा था सॉल्यूशन में जाने के बाद एसोसिएट हो गया, एसोसिएट होने के मतलब वहाँ पे जाकर कितना बन गया एक बन गया, अगर वहाँ पे दो मिलकर के एक बन गया तो हम लोग ले रहे थे दो के अनुसार वैल्यू निकाल रहे थे और यहाँ पे निकालना कितना से था एक से, क्यों क्योंकि वहाँ सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है वो कितना था एक, जो कि हम लोग ले कितना रहे थे दो। तो इस प्रकार से हम लोग देखे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग को चेंजेस देखने को मिलने लगा, क्यों क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल भी क्या हो रहा था चेंज हो रहा था, हम लोग जो ले रहे थे वो एक्चुअल था नहीं। और ये हम लोग को कब कब कंडीशन होगा, जैसे ये हम लोग डिसोसिएशन एसोसिएशन सब कहानी अधिकांश जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट के कहानी में, किसमें होता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट उसी को बोलते हैं जो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे यहां पर डिसोसिएशन वाला कहानी का बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग को क्या होता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी जो हम लोग सॉल्यूट यहां पर ऐड करेंगे वो हम लोग को कैसा नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रोलाइट रहा तो तुरंत वहां पे जाकर क्या हो जाएगा डिसोसिएशन, तो जो हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार वैल्यू निकाल रहे थे वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो हम लोग यही सब देख रहे थे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंजेस हो गया, अच्छा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के चेंज होने से क्या हो गया, तो सर कुल मिलाकर के हम लोग देखे थे कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास ऑफ किसका सॉल्यूट का, किसका होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब सर जब जब हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन किए थे तो हम लोग एक कंसेप्ट को पढ़े थे कि कैलकुलेट करो किसका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या हम लोग कैलकुलेट किया कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, तो हम लोग जब यहाँ पे सॉल्यूट का निकाला कर रहे थे अगर इस प्रकार का प्रक्रिया हो रहा है तो के चलो हम लोग NaOH का ही बात कर लेते हैं, किसका बात कर लेते हैं NaOH का, इसका मोलर मास होता कितना है 40, कितना होता है 40, अगर मान के चलो ये जाकर के डिसोसिएट हो जाएगा तो डिसोसिएट होगा तो बताइए इसका नंबर जो हम लोग एक सॉल्यूट ले रहे थे क्या एक रहेगा क्या, कितना हो जाएगा दो हो जाएगा। अब तुम लोग ही बताओ अगर इसका मोलर मास एक्चुअल में होता कितना था 40 और जैसे ही इसको हम लोग सॉल्यूशन में अभी हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे तो NaOH डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट होने के बाद हम लोग हो जाता है Na+ और किस में OH-, अब बताओ यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल कितना है
दो, कितना है दो, हम लोग ले कितना रहे थे वन, और इसी बेसिस पे सॉल्व किए अभी, और अभी अगर सॉल्व करने जाओगे तो पता चलेगा उसका आना चाहिए था 40, जो कि कभी 40 आएगा नहीं। होता क्या है वहां पे सर, ये तो डिसोसिएट हो गया, और डिसोसिएट हो गया तो अभी हम लोग को कितना लेना चाहिए था, कितना लेना चाहिए था दो। अब यहाँ पे समझो कि जब यहाँ पे हम लोग को दो था, कितना था दो, तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के बढ़ने से हम लोग को क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ऑब्वियस बात है डालेगा। अगर ये हम लोग को दोगुना बढ़ गया सॉल्यूट पार्टिकल, इसका मतलब सर जितना सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उतना ही रेशियस बढ़ेगा, मतलब सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा दोगुना बढ़ेगा। घूम रहा है का, फिर समझो, नहीं समझ में आता है तुरंत टोका करो कि सर नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, और नहीं तो सिर्फ देखते रहोगे तो कुछ समझोगे नहीं। सबसे पहले हम लोग देखे थे, अच्छा ये कहानी समझ में आया जो जो बताएं, कि हम लोग देख रहे थे सॉल्यूट, सॉल्यूट हम लोग को दो प्रकार का भी काम कर सकता है सॉल्यूशन में जाने के बाद, एक तो डिसोसिएशन और क्या चीज एसोसिएशन। हम लोग 99% किसको पढ़ने वाले हैं, डिसोसिएशन का कहानी, और ये डिसोसिएशन ही सब तभी होगा जब सर वो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, मतलब वो आयंस में टूटने वाला रहेगा, तुरंत जाकर डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे NaOH का एग्जांपल ले लो, कि ये डिसोसिएट नहीं होगा, होगा किस में होगा, Na प्लस और OH माइनस। अभी हम लोग देख रहे थे कि जैसे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल में चेंज करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी क्या होगा, चेंज होगा। अब हम लोग को देख रहे थे एक और कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में जो देखे थे कि किस प्रकार के रिलेशन है, तो हम लोग को समझ में आया था कैसा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर इसका वैल्यू को बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, घटेगा, और ये कब बढ़ेगा जब इसका वैल्यू बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर के देख रहे थे कि जो हम लोग एक ले रहे थे वो हो जा रहा है कितना दो, मतलब अगर इसका वैल्यू बढ़ रहा है तो क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, और अगर इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रहा है तो क्या मोलर मास में घटेगा नहीं, तो जो हम लोग को एक्चुअल 40 था क्या 40 आएगा। इसका मतलब सर अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग दोगुना बढ़ा दे रहे हैं, इसका मतलब मोलर मास कितना कम हो जाएगा, दोगुना कम हो जाएगा। इसका मतलब सर अगर यहाँ पे 40 था वो 40 ना करके कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या इसका मोलर मास एक्यूरेट आया, नहीं आया। तो इसी को एक्यूरेट करने के लिए हम लोग के पास एक फैक्टर्स आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वांट्स ऑफ फैक्टर, जो हम लोग किससे दिखाते हैं, आई से, कि अगर यदि हम लोग को सॉल्यूशन से अगर मोलर मास फाइंड आउट करना है किसके अनुसार, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार, तो हमें इसकी जानकारी होना चाहिए। जब तक इसको पुट नहीं करेंगे तब तक एक्यूरेट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हम लोग को लाना था 40, आ जाएगा कितना 20 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग चाहे ग्लूको मतलब कि कोई और ले लो, जैसे NaCl ये सब ले लो, उसका भी कहानी वही हो जाएगा, मतलब सर जितना आना चाहिए था उतना आएगा नहीं। अगर यदि मान के चलो जो हम लोग अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, क्या चीज कर रहे थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को जो यूज कर रहे थे, अगर हम उसी के बेसिस पे उसका एक्यूरेट वैल्यू अभी भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग निकाल सकते हैं। कहने का मतलब जो अभी तक हम लोग चार फॉर्मूला पढ़े, ध्यान से सुनते जाना, सब मिक्स मत कर देना, इधर उधर दिमाग को डेविएट करोगे कंसेप्ट भी डेविएट हो जाएगा। अभी तक हम लोग चार को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे, इसमें से जो भी फॉर्मूला अभी तक जो पढ़े थे, जैसे मान के चलो हम लोग एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट, इसमें क्या था डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर था के बी और इनटू में क्या था मोलैलिटी, अभी भी इसी के अनुसार से हम लोग निकाल सकते हैं मोलर मास, और वो मोलर मास हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू आएगा। जैसे NaOH है तो उसका भी वैल्यू कितना आएगा 40, लेकिन ये तब हम लोग कैलकुलेट करेंगे जब उसके लिए ये सब कंडीशन फुलफिल रहेगा तब। अगर ये सब कंडीशन फुलफिल नहीं है तो उस कंडीशन पे हमें वांट्स ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। जब तक वांट्स ऑफ फैक्टर को नहीं लगाएंगे तब तक हम लोग को कहानी अच्छा से नहीं हो पाएगा, वहाँ से मोलर मास को एक्यूरेट हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं एबनॉर्मल मोलर मास। अब ये एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है, इसको हम लोग निकालेंगे एक्सपेरिमेंटल वाला, जो हम बता रहे थे कि हम लोग को जो गलत हो गया था इसी को सुधारने के लिए अभी हम लोग निकालने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही, लेकिन इसमें एक हम लोग इंट्रोड्यूस हो जाएगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं वांट्स ऑफ फैक्टर। क्या बोल रहे हैं, वांट्स ऑफ फैक्टर। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास बोलेंगे। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है क्या, एबनॉर्मल का मतलब ही क्या होता है, नॉर्मल मतलब साधारण, एबनॉर्मल मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें गड़बड़ी टाइप से। तो यहां पर जो मोलर मास हम लोग निकालेंगे वो एबनॉर्मल निकलेगा, मतलब हम लोग को गलत टाइप से ही निकलेगा, उसको नॉर्मल बनाने के लिए हम लोग वांट्स ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर अभी भी हमें उसे एक्यूरेट वैल्यू निकालना है तो उसमें हम लोग को ये जो कंडीशन है, पहला दूसरा कंडीशन एक और कंडीशन है, तो वो तीन कंडीशन को अगर फॉलो करेगा तभी हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग।
अकॉर्डिंग, जिसमें से सबसे पहला जो कंडीशन है वो क्या है, द सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। सॉल्यूशन को कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट। अब इसके पीछे हम लोग रीजन जानते हैं कि आखिर जो सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट होने के क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे। अगर डाइल्यूट नहीं होगा वहां पे कंसंट्रेटेड होगा। अच्छा, दो वर्ड का समझते हो, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट, इसका मतलब क्या समझते हो? कंसंट्रेटेड बोलेगा मतलब उसमें बहुत ज्यादा हम लोग को गाढ़ा टाइप से बोलेगा, और अगर डाइल्यूट बोल रहा है इसका मतलब उसमें बहुत डिस्टेंस होगा, उसमें वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, ये डाइल्यूट क्यों करने बोल रहा है सॉल्यूशन को? अगर डाइल्यूट नहीं करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, नॉर्मल जो हम लोग निकालने जा रहे थे मोलर मास वो हम लोग को कैलकुलेट नहीं होगा। जैसे कि हम लोग निकालना चाह रहे थे 40, वो 40 आने वाला नहीं है। अगर 40 निकालना है तो तभी निकलेगा जब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हम लोग को डाइल्यूट होगा। इसके पीछे देखो रीजन क्या होता है, जब हम लोग कोई सॉल्यूशन बनाने जाते हैं जैसे मान के चलो ये है, ठीक है, इसमें जब हम लोग सॉल्यूशन बनाए तो अभी मान के चलो जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा, जैसे मान के चलो NaOH का ही बात कर लेते हैं, यहां पर रहेगा Na प्लस और यहां पर क्या रहेगा, OH माइनस। अरे इस प्रकार से रहेगा ना, जैसे हम उस दिन बताए थे एसोसिएशन का कहानी, किसका बताए थे, एसोसिएशन का कहानी। तो एसोसिएशन में मान के चलो हम लोग लेंगे यहाँ पे एसिटिक एसिड, क्या लेंगे, एसिटिक एसिड। तो मान के चलो दो को सब्सटेंस हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर है A और यहाँ पर क्या है B। अगर यदि मान के चलो ये हम लोग को डाइल्यूट ना होकर के ये कंसंट्रेटेड हो, क्या हो, कंसंट्रेटेड। अगर ये कंसंट्रेटेड रहेगा तो क्या होगा, इन लोग के बीच में गैप ज़्यादा रहेगा कि कम रहेगा, कम रहेगा। इसका मतलब सर उन लोग आपस में नजदीक रहेगा, और नजदीक रहेगा तो उन लोग के बीच में क्या रहेगा, इंट्रैक्शन फोर्स रहेगा, और तुरंत ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कंबाइन। और कंबाइन हो जाएंगे तो वो एसोसिएशन वाला कहानी होने लगेगा जो बता रहे थे एसिटिक एसिड वाला, कि उन लोग आपस में क्या हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है, डैमेराइज हो जाता है। तो इसी चलते अगर मान के चलो इसमें पानी वगैरह और ऐड कर दिए, इसका हम लोग वॉल्यूम को बढ़ा दिए, डाइल्यूट कर देंगे, पता चलेगा ए यहाँ है तो बी कहाँ रहेगा, इधर रहेगा, मतलब उन लोग के बीच में गैप क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो हम लोग जैसे अभी भी देखेंगे दो को पार्टिकल तो तब भी क्या रहेगा, दो पार्टिकल, लेकिन अगर वो कंसंट्रेटेड रहेगा तो ये दोनों आपस में मिल करके क्या बना देगा, एक हम लोग बना देगा। तो हम लोग अगर जो ले रहे थे दो गो वो बन जाएगा कितना, एक गो। तो यही तुम लोग को गड़बड़ हो रहा था। तो अगर हम लोग को गड़बड़ ना हो, जितना हम लोग ले रहे थे उतना ही हो, उसके लिए हम लोग को सॉल्यूशन को क्या करना पड़ता है, डाइल्यूट करना पड़ेगा, मतलब उसका वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अरे यार बहुत गर्मी लग रहा है, फिर से समझो इधर, क्या ये कहानी समझ में आया? हम लोग पढ़ रहे थे एबनॉर्मल मोलर मास को कैलकुलेट करना, इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो मोलर मास हम लोग निकाल रहे थे उसी मोलर मास को हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास, क्योंकि वहां से हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू निकलता नहीं है। तो अब हम लोग देख रहे थे कंडीशन कि आखिर नॉर्मल मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये तीन कंडीशन को फुलफिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें से पहला जो देखे वो सॉल्यूशन को क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट होगा तो क्या होगा, वो दोनों आपस में इंट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, और नहीं इंट्रैक्ट कर पाएंगे तो जितना हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल को अभी काउंट कर रहे थे उतना ही अभी भी रहेगा। क्या वहां पे एसोसिएट कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। इसका मतलब सर उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा, तो उसका जो मोलर मास होगा वो एक्यूरेट हम लोग को फाइंड आउट हो पाएगा। क्लियर है? दूसरा जो कहानी हम लोग के पास है, जिससे अगर फुलफिल नहीं किया तो हम लोग नॉर्मल जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था या फिर नॉर्मल जो हम लोग के पास मोलर मास था उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या है, द सॉल्यूट मस्ट नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन। तुम लोग का क्या चल रहा है, पहला एक तो ऊपर से गर्मी लग रहा है, एक तुम लोग इस तरह से करेगा, बताओ कहाँ से पढ़ाने का मन करेगा, छोड़ छोड़ के बाहर ना निकल जाएंगे, बताओ। देख ले भाई, हम ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे तो वेस्ट हो ही रहा है, ठीक है। अभी हम जो कंडीशन बता रहे हैं कंडीशन को समझते चले जाओ, ठीक है, फिर से समझा रहे हैं, फिर से समझना, हो सकता है गर्मी में पसीना साथ निकल गया होगा, फिर से सुनो, फिर से अंदर रखना, ठीक है। हम लोग देख रहे थे एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास कहने का मतलब है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं वहां से एक्यूरेट वैल्यू निकलता नहीं है, ठीक है। हम लोग को निकालना है नॉर्मल मोलर मास, तो नॉर्मल मोलर मास कहने का मतलब जो एक्यूरेट मोलर मास है उसको कैलकुलेट करना है, किसके थ्रू, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू।
लेकिन वो तभी हम लोग को फुलफिल मतलब तभी हम लोग उसको निकाल पाएंगे, जिसके लिए ये जो हम लोग तीन पॉइंट अभी पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला पॉइंट क्या है, द सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। कहने का मतलब जो सॉल्यूशन हम लोग को रहना चाहिए वो हम लोग को डाइल्यूट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट। तभी हम लोग को नॉर्मल उसका मोलर मास निकल पाएगा, उसका एक्यूरेट मोलर मास निकल पाएगा। इसके पीछे रीजन बता दिए कि अगर उन लोग कंसंट्रेटेड रहेगा तो उन लोग समीप रहेगा, और समीप रहेगा तो जो दो मोल दो हम लोग को सब्सटेंस लेके चल रहे थे वो मिल करके कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा, जिसके वजह से उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज हुआ, और चेंज होने के बाद मोलर मास में भी क्या होगा, चेंज होगा। तो हम लोग को वहां पे होना चाहिए सॉल्यूशन कैसा, डाइल्यूट, जिससे इन लोग दूर दूर रहेगा, दूर दूर रहेगा तो जितना अमाउंट में हम लोग डाले हुए हैं उतना ही अभी भी हम लोग के पास मिलेगा। यहां पे दो डाले हैं तो कितना है, दो ही, उन लोग जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगर हम लोग को डाइल्यूट रहेगा तो अभी हम लोग एक्यूरेट वैल्यू को निकाल पाएंगे। अगर यदि यहां पे कंसंट्रेटेड हो जाए तब भैया हम लोग को कभी भी एक्यूरेट निकल नहीं पाएगा। उसके लिए फिर हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, वांड्स ऑफ फैक्टर को, तभी हम लोग निकाल पाएंगे। दूसरा कंडीशन है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा उसको कभी भी डिसोसिएट या फिर एसोसिएट नहीं होना चाहिए। अगर सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट या फिर एसोसिएट कर रहा है तो उस कंडीशन पे हम लोग कभी भी नॉर्मल मोलर मास को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, एक्यूरेट मोलर मास को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर फिर तो वही कहानी है ना कि एसोसिएट करना मतलब दो ले रहे हैं और वहाँ पे निकलता कितना है, एक, तो फिर तो हम लोग को गड़बड़ हो ही जा रहा था। फिर डिसोसिएशन का कहानी, सर हम लोग लेते थे एक, वहाँ पता चलता था कितना है, दो, तो उसके कारण भी हम लोग को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा था, तो उसका मोलर मास में भी क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। इसलिए अगर हम लोग को नॉर्मल निकालना है, अगर हमें एक्यूरेट वैल्यू निकालना है तो जो सॉल्यूट होगा उसे मस्ट नोट डिसोसिएट और एसोसिएट इन दिस सॉल्यूशन। कहने का मतलब सॉल्यूशन में कभी भी उसको डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं करना होगा। अगर कर दिया तो क्या हम लोग कभी भी कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं, कोई दिक्कत? तो ये सब अगर कंडीशन को वो फुलफिल करेगा तभी हम लोग नॉर्मल जो उसका मोलर मास है उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। और अगर वो सॉल्यूशन में अगर एसोसिएट किया या फिर डिसोसिएट किया तो उसको फिर कैसे हम लोग नॉर्मल को निकालेंगे, उसी के लिए हम लोग पढ़ेंगे अभी वांड्स ऑफ फैक्टर को। किसको पढ़ेंगे? वांड्स ऑफ फैक्टर। क्या कहानी धीरे धीरे समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? अरे गर्मियों में तो कम से कम हंसते खेलते जैसा रहो तुम लोग, अचानक तुम लोग टेंशन में आ जाते, बताओ। लिखे नहीं है तो मिटा भी नहीं रहे। देखो अभी इधर क्या कंडीशन समझ में आया कि ये दो कंडीशन फुलफिल करेगा तभी हम लोग को क्या होगा, जो नॉर्मल हम लोग निकालते हैं मोलर मास या फिर जो एक्यूरेट मोलर मास निकालते हैं उसको निकालने में हम लोग मतलब सक्षम हो पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे। अगर यदि मान के चलो हम लोग को क्या हो गया, वो एसोसिएशन हो गया। क्या हो गया? एसोसिएशन। तो एसोसिएशन होने के बाद क्या होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में या फिर मोलर मास में? तो हम लोग यहां पे जानते हैं एसोसिएशन का कहानी में क्या होगा। सो मान के चलो अगर वो हम लोग एसोसिएशन कर रहा है, क्या चीज कर रहा है, एसोसिएशन, तो देखो होता क्या है। अगर हम लोग एसोसिएशन हुआ तो बताओ यहां पर नंबर ऑफ जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा, बताइए इसमें क्या होगा, डिग्रीज होगा। क्योंकि सर जब जब वो एसोसिएट किया इसका मतलब उन लोग आपस में जुड़ता है, तो जितना हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल लिए हुए रहते हैं उतना ना होकर के उससे क्या हो जाता है, उन लोग घट जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इन केस ऑफ एसोसिएशन जैसे ये दो कंडीशन तो हम लोग फुलफिल करेगा तभी हम लोग एक्यूरेट वैल्यू को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यदि मान के चलो वो एसोसिएट कर दिया तब क्या होगा? तो एसोसिएशन करने के बाद हम लोग को क्या होता है, नंबर ऑफ जो सॉल्यूट पार्टिकल है इसमें क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अगर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल में डिक्रीज हो गया तो हम लोग यहां पे देखते हैं कि सर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? यह भी डिक्रीज होगा, क्योंकि सर हम लोग देख रहे हैं एसोसिएशन की कहानी में नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन लोग कंबाइन हो जाएगा, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर ये सब कहानी है तो बताओ ये जो मोलर मास होगा,
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब कहानी हम लोग को होता है। तो अगर यदि हम लोग को एसोसिएशन का कहानी होगा तो क्या हम लोग एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे। उसी प्रकार से जब हम लोग देखते हैं डिसोसिएशन का कहानी, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, अब देखो यहां पर क्या होता है डिसोसिएशन में, अगर यदि हम लोग को मान के चलो इफ डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन की कहानी में देखते हैं कि सर जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होता है ये क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि सर डिसोसिएशन में वो टूटता है और टूटता है तो एक है तो वो एक से ज्यादा होगा, तो इसलिए सर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहां पे क्या चीज, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या होगा, ये सर डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए ना यहां पे हम लोग एक्यूरेट वैल्यू को कैलकुलेट कर पा रहे हैं और ना ही यहां पे कर पाएंगे। इसलिए हम लोग को बोला गया है कि अगर यदि हमें एक्यूरेट वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोग को कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, सॉल्यूशन को क्या होना चाहिए, डाइल्यूट। दूसरा, सॉल्यूट को कभी भी डिसोसिएट या फिर एसोसिएट नहीं होना है, अगर वो हो जाएगा तो इस प्रकार का कंडीशन को फुलफिल करने लगेगा, मतलब जैसे एसोसिएट करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या होगा, घट जाएगा, उसी तरह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, घटेगा, और जैसे ये घटा मोलर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जो था वो अभी आएगा का नहीं, अगर 40 है तो 40 से क्या होगा, ज्यादा आएगा। वही जब हम लोग डिसोसिएशन की कहानी लिखते हैं तो यहां पर वो क्या होता है, टूटता है, और टूटने के बाद नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और अगर ये इंक्रीज हुआ तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज हुआ तो मोलर मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे कि अगर 40 रेल ले रहे हैं तो 40 से क्या होगा, वो कम आएगा। तो हम लोग को चाहिए एक्यूरेट वैल्यू, क्या कभी भी फाइंड आउट कर पाएंगे, नहीं। इसलिए उसको एक्यूरेट अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग को ये कंडीशन होना चाहिए। तो हम लोग वैसा ही जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे थे, तो वहां पे अगर वो बोल देगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, क्या बोल देगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, अगर ये वर्ड को कहीं मेंशन कर दिया तब बेहिजक कौन वाला अप्लाई करोगे, जो अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं वही वाला, क्योंकि ना वो टूटेगा नहीं हम लोग को जुड़ेगा, तो आराम से हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा। कोई दिक्कत, इसको लिख लो पहले। तो क्या करने बोलता है, चलो इधर देखो, वहां पे तो कहानी समझ गए थे पूरा कि सर हम लोग को जो एबनॉर्मल मोलर मास जो हेडिंग दिया हुआ था उससे हम लोग को समझना था कि आखिर एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है। तो जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जब हम लोग मोलर मास कैलकुलेट कर रहे थे सॉल्यूट को, जो हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू निकाल नहीं रहा था, तो उसी वैल्यू को, उसी मोलर मास को हम लोग किस नाम से जानेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास से। फिर हम लोग देखे थे कि अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही अगर हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ कुछ कंडीशन को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें से पहला क्या था कि सॉल्यूशन को क्या होना चाहिए, हम लोग को डाइल्यूट होना चाहिए। दूसरा देखें कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा उसे कभी भी डिसोसिएट या फिर एसोसिएट नहीं करना होगा, तभी हम लोग एक्यूरेट वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है जल्दी, नहीं। तो अगर यदि हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मोलर मास को फाइंड आउट कर रहे थे तो उस मोलर मास को ही किस नाम से जानते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास से। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि द चेंज इन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ड्यू टू एसोसिएशन और मतलब कि डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। कहानी समझ में आ गया। अभी देखो सबसे पहला हम लोग को क्या है कि अभी भी हम लोग को कैलकुलेट करना है नॉर्मल वैल्यू, क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल वैल्यू। और जैसे हम लोग को क्या होता है सॉल्यूशन में जाने के बाद जो सॉलिड पार्टिकल है डिसोसिएट कर जाता है और एसोसिएट कर जाता है, तो उस स्थिति में हम लोग को
एक्यूरेट वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो उसी को पता करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था वॉन्सॉफ। तो इन्होंने एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया था, वो फैक्टर क्या था, आई था, जिसको हम लोग पूरा किस नाम से जानते हैं, वॉन्सॉफ फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पे जानना है कि आखिर ये आई होता क्या है। तो आई वही चीज होता है, एक फैक्टर्स होता है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, वहां से जब मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोग को अच्छा जो एक्यूरेट वैल्यू होता है वो हम लोग को फाइंड आउट हो पाता है। ठीक है, तो आखिर हम लोग देखेंगे कि जो आई है वो आई को कैलकुलेट कैसे करना है। तो हम लोग एक एक करके देख रहे हैं कि वॉन्सॉफ इंट्रोड्यूस्ड अ फैक्टर, जो क्या चीज दिखाएंगे हम लोग, आई से, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड वॉन्सॉफ फैक्टर। कहानी समझ में आ गया। जो हम लोग को क्या हो रहा था, सॉल्यूशन में जाने के बाद जो हम लोग को सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो रहा था, डिसोसिएट हो जा रहा था, एसोसिएट हो जा रहा था, उसके वजह से हम लोग को क्या होता कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी चेंज आ रहा था। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो वॉन्सॉफ थे वो हम लोग एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किए थे, जिसको किस नाम से जानेंगे, आई के नाम से जानेंगे, जिसको पूरा बोलते हैं वॉन्सॉफ फैक्टर। तो वही वॉन्सॉफ फैक्टर जो आई है उसी को बोलते हैं क्या चीज नाम से, वॉन्सॉफ फैक्टर के नाम से। कोई दिक्कत, अरे समझ में आ रहा है, फिर से समझो। जैसे हमारे पास साइंटिस्ट आए थे वॉन्सॉफ, कौन आए थे, वॉन्सॉफ। तो जैसे हम लोग कहानी देखे कि सॉल्यूशन में जाने के बाद सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट हो जा रहा था, एसोसिएट हो जा रहा था, तो उसके वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी चेंज आ रहा था। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको अच्छा तरीके से बताने के लिए कि वहाँ पे कब वो एसोसिएट होगा, कब डिसोसिएट होगा, जिससे हम लोग एक्यूरेट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सके, तो उसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो जो एसोसिएशन डिसोसिएशन था उसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक फैक्टर उन्होंने बताया था, जिसको क्या था, वॉन्सॉफ फैक्टर के नाम से जानते हैं, जिसको दिखाते क्या चीज से, आई से। तो बस यही चीज हम लोग को क्या था, वॉन्सॉफ फैक्टर। तो वही लिखा हुआ है कि वॉन्सॉफ फैक्टर, वॉन्सॉफ इंट्रोड्यूस अ फैक्टर, जो वॉन्सॉफ थे वो इंट्रोड्यूस किए थे एक फैक्टर को, जिसको क्या चीज दिखा रहे हैं, आई से, क्या करने के लिए, तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, क्या करने के लिए, तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था सॉल्यूशन को उसको एक्सप्लेन करने के लिए, विच अंडरगो एसोसिएशन और एसोसिएशन इन दी सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो जाता है, हम लोग डिसोसिएट हो जाता है और एसोसिएट हो जाता है। तो इसी को बताने के लिए, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया था, ताकि हम लोग को कभी भी गलती ना हो, जिसको आई से दिखाते थे, और इसी को किस नाम से जानते हैं, वॉन्सॉफ फैक्टर के नाम से जानते हैं। कहानी समझ में आ गया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि आखिर ये वॉन्सॉफ फैक्टर को निकालेंगे कैसे। तो वॉन्सॉफ फैक्टर का हम लोग आई बराबर दिखाएंगे, तो आई को निकालने का हम लोग को जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दो वैल्यू है, एक तो एक्सपेरिमेंटल और एक हम लोग को क्या है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन वाला जो रहता है वो हम लोग जो निकाला करते थे पहले, वो वाला हम लोग यहां पे पुट करेंगे, और ऊपर हम लोग को क्या रहेगा, ऑब्जर्व वाला। ऑब्जर्व कहने का मतलब प्रैक्टिकल वाला। अच्छा, अब तुम लोग ही यही चीज बात बता दो, इधर समझ में आ गया था ना, समझना यहां से। ठीक है, जैसे कि हम लोग बता रहे थे पिछले क्लास में भी कि जो हम लोग इधर था थियोरिटिकल, इधर क्या था, थियोरिटिकल, और इधर हम लोग ले लेते हैं, या फिर इधर ले लेते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटल, और इधर हम लोग ले लेते हैं थियोरिटिकल। तो समझ में आ रहा था कि सर थियोरिटिकल और जो हम लोग को एक्सपेरिमेंटल था, क्या इन लोग इक्वल होता हमेशा, क्या नहीं, गलत कौन था, थियोरिटिकल। थियोरिटिकल को सही करने के लिए क्या करते थे, यहाँ पे आई से इंटू करते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आई से इंटू, जैसे आई से इंटू करते थे, ये दोनों आपस में क्या हो जाता था, इक्वल हो जाता था। क्या आई बराबर नहीं निकाल सकते हो आराम से, तो आई बराबर जाएंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, तो सर हम लोग ऊपर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल, और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा, थियोरिटिकल। जो एक्सपेरिमेंटल को बोलते हैं ऑब्जर्व वैल्यू, क्या चीज बोलते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू, और थियोरिटिकल तो थियोरिटिकल ही हो जाएगा, जिसको हम लोग कैलकुलेटेड बोलेंगे। तो यहां पर देखो आई का निकालने का फॉर्मूला कैसे है, तो जो हम लोग पहले से जान रहे थे बस उसी को बना दिया गया, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो हम लोग को एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू दे रखा रहता है हम लोग को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, उसका कहां रखेंगे, ऊपर, और नीचे डिवाइड करेंगे किसका, जो हम लोग निकाला करते थे पहले उससे। ना यहां पे हम लोग एसोसिएशन का कहानी होता था, ना ही डिसोसिएशन। तो जो होता था वैल्यू निकालते थे उसी को यहां पे पुट करेंगे, और ऊपर हम लोग को एक्सपेरिमेंटल। तो ये दोनों को डिवाइड करने के बाद किसका वैल्यू आ जाएगा,
आएगा, कोई दिक्कत? तो ये हम लोग को तरीका था आय को निकालने का। अब इसी को इंट्रोड्यूस करते हैं दूसरा मेथड से भी। दूसरा मेथड क्या? तो इसको हम लोग करते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। कहीं ना कहीं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल भी लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को कहीं ना कहीं हम लोग दिखाते हैं नंबर ऑफ मोल्स से। कहां से कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स से। तो इसलिए क्या हम लोग बोल सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हैं? लेकिन अब यहां पे नंबर ऑफ मोल्स तो ठीक है सर, जैसे यहां पर भी था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहां पर भी क्या था? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो उसी प्रकार से दोनों जगह हम लोग लिख दिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या लिख दिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या नीचे भी लिखा हुआ है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चूंकि हम लोग देख रहे थे ऊपर जो हम लोग ले रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो एक्सपेरिमेंटल था। क्या था? एक्सपेरिमेंटल, जिसको हम लोग ऑब्जर्व लिख रहे थे। तो इसलिए यहां पर ऑब्जर्व कब होगा? जब हम लोग को सॉल्यूशन में जाने के बाद जो डिसोसिएट हो जाता था या फिर एसोसिएट हो जाता, उसी को ना कहानी लेकर के चला था। इसलिए यहां पे हम लोग जो नंबर ऑफ मोल्स लेंगे सॉलिड पार्टिकल का, वो कहां वाला लेंगे? जो टूट जाता है या फिर जाकर के जुड़ जाता है, उस वैल्यू को लेंगे। तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर कहां? डिसोसिएशन और एसोसिएशन। जैसे मान के चलो हमारे पास है ए, ए से जाकर के बन गया यहां पर 2B, तो यहां पर कितना था? एक, और यहां पर कितना है? 2। तो इसको ना लेकर के कौन वाला लेंगे? 2 लेंगे। क्या बात समझ में आ गया? तो ये कहां वाला कहानी बता रहा है? एक्सपेरिमेंटल वाला। कौन बता रहा है? एक्सपेरिमेंटल। तो वही यहां पे बता रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। और नीचे चूंकि हम लोग कौन वाला ले रहे थे? थियोरिटिकल, जो हम लोग निकाल रहे थे। तो इसलिए नीचे है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल टेकन, जो हम लोग स्टार्टिंग में लिए रहते थे वो वाला। जैसे हम लोग लेते थे ए, ए अभी कितना था? 1। तो अरे इसी को ना लेकर चलते थे कि यहाँ पे एक हम लोग को क्या है? सॉलिड पार्टिकल वहां पे है। अगर उसी तरह से हम लोग चलते हैं यहाँ पर 2B और बन रहे हम लोग को 3C, क्या ये वाला लेते थे? हम लोग लिए क्या है? हम लोग 2 तभी भी कितना मेजर करते थे? 2। तो इधर वाला हो जाता है थियोरिटिकल और इधर वाला क्या हो जाता है? एक्सपेरिमेंटल। क्या नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस में समझ गए? एक और इसका इंट्रोड्यूस समझो। अच्छा एक चीज और, हमने 3 को कंडीशन यहां पे मान लेते हैं, ठीक है। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर हम लोग ले लेते हैं एसोसिएशन का कहानी, फॉर एसोसिएशन, अगर हम लोग एसोसिएशन की कहानी में जा रहे हैं तो अब रिलेशन बताना है कि आई का वैल्यू क्या होगा। 3 कंडीशन होगा, एक तो आई बराबर 1, आई इज ग्रेटर देन 1, आई इज लेस देन 1। अब बताओ क्या होगा? इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों को देखने के बाद हम चेक करना चाहते हैं किसका मेंटालिटी थोड़ा सोचने समझने वाला है। सबसे पहले क्या देखे? कंडीशन। देखो ये सब ऑब्जेक्टिव में घुसता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि जो वांट्स ऑफ फैक्टर है वो ग्रेटर कब होगा, एसोसिएशन का कहानी में, डिसोसिएशन के कहानी में, या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के कंडीशन पे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट करने का मतलब कुछ नहीं टूटेगा वहां पे। अब बताओ कि ये 3 को ऑप्शन है, इसका जवाब देना है इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे, दोनों में से किसी को पकड़ोगे कहानी समझ में आ ही जाएगा। तो अब हम सिर्फ जानना चाहते हैं, बताओ एसोसिएशन के कहानी में क्या होगा? हमें मत देखो, इसको देखो और बताओ किसका माइंड चलता है, थोड़ा हम देखना चाहते हैं। बोलो ना, क्या होगा? वन से कम होगा। और किसी का कुछ कहना है? सबका कहना है कि सर आई का वैल्यू 1 से क्या होगा? कम होगा। अब देखते हैं कैसे होगा। सो अच्छा अब समझो, ये एसोसिएशन का मतलब क्या समझा? कि सर ऐसा होता होगा कि ए से वहां पे बन जाता होगा 2B। हाँ अरे यार, यहाँ ए गो लिए यहाँ के 2 गो जाके बन जाएगा, इसको डिसोसिएशन बोलते हैं। एसोसिएशन का मतलब सर उल्टा, कि यहाँ पर 2B चाहे कुछ भी लेते होंगे और यहाँ पर ए करके कुछ बनता होगा, मतलब यहाँ पे 2-3 गो लेंगे यहाँ पे जाकर के कम हो जाएगा। अब बताओ अगर नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पे चलो, सॉल्यूट पार्टिकल के बेसिस पे तो चलते हैं, उसी के बेसिस पे जाएंगे तो ये भी डिफाइन हो जाएगा। अब समझो हम लोग चलते हैं आई निकालने का फॉर्मूला, यहां से भी समझ चुके थे, उसी के अकॉर्डिंग यहां भी समझ गए। अब जो कहानी यहां पे हुआ उसी को पुट कर दो। नंबर ऑफ मोल्स इसका कितना है? इसका कितना है? अब यहां पे क्या कहानी बोलते थे?
कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, कि ऊपर जो पुट करते थे वो डिसोसिएशन करने के बाद या फिर एसोसिएशन करने के बाद, चाहे इधर जो भी हो रहा है इसी का मोल चाहिए। तो इधर जिसका मोल होता है उसको कहाँ पुट करते हैं? ऊपर। और नीचे कौन लोग पुट करते हैं? जो हम लोग स्टार्टिंग में लिए होते हैं। तो सर यहाँ पे साफ साफ देखते हैं कि यहाँ पे ज्यादा रहता है, यहाँ पे क्या होता है? कम। तो ऊपर कम और नीचे रहेगा ज्यादा, तो का एक से ज्यादा आएगा का? अरे तो वही ना होगा कि यहाँ पे क्या होगा, आई का वैल्यू वन से कम होगा। इसका मतलब सर एक तरह से ये भी हम लोग समझ सकते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल हम लोग ज्यादा लेते थे और यहाँ पे हो का जाता था कम। क्या हो जाता था? कम। मतलब सर सॉल्यूट पार्टिकल अगर कम हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब सर जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे उसमें हम लोग दो लेकर के चल रहे थे, मतलब ज्यादा लेकर चल रहे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में क्या होता होगा? कम। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता होगा? कम। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वाला जो होता है, ऑब्जर्वेशन वाला, वो तो हम लोग आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद जाता था, आता ही नहीं आता। इसका मतलब सर इधर से हम लोग निकालते थे थियोरिटिकल और यहां से क्या निकालते हैं? एक्सपेरिमेंटल। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर किसका है? ऑब्जर्व वाला, मतलब एक्सपेरिमेंटल वाला। ऊपर वाला क्या होगा? कम। और नीचे वाला क्या होगा? ज़्यादा। ऐसे भी समझ सकते हो। कुल मिलाकर के ये वाला कहाँ से समझ में आता है? यहाँ से। और हम लोग निकालेंगे भी कहाँ से? यहाँ से निकालेंगे। क्या पहला कंडीशन समझ में आया? ले फिर उड़ गया का किसी का? क्लास में सोओगे तो सपनों में फिर जा करके समझोगे। देखो इसमें का कहानी होता है एसोसिएशन में, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या होता है? क्या होता है? डिक्रीजेस। तो यहां पे लिखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीजेस। इसलिए I बराबर चाहे दो में से किसी का भी निकाल लो। अरे निकालोगे ना? क्या यहाँ पे पूरा फिर से फॉर्मूला लिखा के देते हैं? नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम इतना ही लिख दे रहे हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीजेस, और उसी प्रकार से क्या लिख रहे हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जा रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है। कोई दिक्कत? अगर ये सब नहीं भी लिखेंगे तो सिंपल खाली इतना सा लिखेंगे तो कहानी हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो आई का वैल्यू होगा वो लेस देन क्या होगा? वन होगा। Decreases after association। हालांकि यहीं से समझ में आ ही जाता है कि एसोसिएशन, लेकिन फिर भी लिख ही देते हैं, फिर किस जैसा तुम लोग पढ़ेगा पता नहीं। तो समझ में आ गया कि एसोसिएशन की कहानी में क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाता है आफ्टर एसोसिएशन? डिक्रीज हो जाता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि आई का वैल्यू क्या होगा? वन से कम होगा। कहाँ से आया? पुट करके देख लोगे, कहानी समझ में आ गया। अब बताओ कि दूसरा कंडीशन, अब तो आँख बंद करके बोलोगे, फोर डिसोसिएशन, क्या बोलोगे? सर यहां पे जैसे जाएंगे तो बोलेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीजेस की डिक्रीजेस? इंक्रीजेस आफ्टर डिसोसिएशन। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि आई का वैल्यू क्या होगा? वन से ज्यादा होगा। एक थर्ड कंडीशन होगा, इसमें क्या हो जाएगा? तो सर यहां पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स विल बी सेम। इसलिए क्या लिखोगे आई का वैल्यू? वन। इसलिए
जब जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलेगा तो हम लोग पहले वाला ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सर अभी अभी, अच्छा चलो इतना लिख लो उसके बाद बताएंगे, उन्हें तो सब बेहोश होते जा रहा है धीरे धीरे। तो हम लोग ना गर्मी में पता ना तुम लोग को ब्रेन वाश हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है? वाश होना चाहिए तो जल्दी जल्दी समझ में आना चाहिए था, लेकिन पता ना पूरे वाश हो जा रहा है। देखो अच्छा, हाँ एक चीज और, अच्छा ये सब कहानी समझ में आ गया ना, ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा। एक नंबर में अगर पूछा वांट्स ऑफ फैक्टर से तो ये सब क्वेश्चन घुसेगा, यही तीन गो। अरे तीन गो तीनों नहीं, मतलब कोई एक को पूछ सकता है, सो बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, एक ये सवाल भेजा था एक बार, कब हमारा लगता है उसमें सदियों पुराने, ना सदियों पुराना नहीं, उसमें लगता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे थे सर, उसी समय ये मतलब भेजा था कहाँ से निकाल के। तीन बरस पहले। देखो अच्छा, अब हम अच्छा कितना पॉइंट लिखे थे अभी? तीसरा। अच्छा अब आई का वैल्यू फिर से एगो देखो निकालने का तरीका। अभी अभी हम लोग क्या देखे सर? एगो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में था ऊपर एक्सपेरिमेंटल और नीचे हम लोग को क्या था? थियोरेटिकल। अरे यही ना था। उसके बाद देखे थे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के अकॉर्डिंग, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल, तो ऊपर भी था सर डिसोसिएशन एसोसिएशन और नीचे क्या था जो टेकन था हम लोग लिए हुए थे सो। अब इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मोलर मास से। किससे करने जा रहे हैं? मोलर मास से, कि मोलर मास में भी हम लोग इसको निकाला करते थे। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? मोलर मास ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऊपर होगा कि मोलर मास ऑफ एक्सपेरिमेंटल नीचे होगा? क्या होगा? क्या चीज होगा? देखो दुवे चीज तो होगा ही, एक तो सर हम लोग जान रहे एक्सपेरिमेंटल होगा, एक क्या होगा? थियोरेटिकल। तो ऊपर एक्सपेरिमेंटल होगा कि थियोरेटिकल ऊपर होगा? एक्सपेरिमेंटल। इतना पीटेंगे सबको वो, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, जानते हो? अगर ये ऊपर है तो कहाँ जाएगा? अतः फिर ऊपर ले रहे थे एक्सपेरिमेंटल, तभी किसका चल जाएगा? अरे किसका जाएगा? अरे यार तुम लोग चुप हो जाता है ना, अच्छा नहीं लगता एकदम नहीं। आई बराबर जान रहा था ना, ऐसा था एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नीचे क्या था? थियोरिटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर हम लोग जानते हैं ये तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और इसके बराबर जानते हैं कि वन अपॉन में मोलर वेट, अरे यही ना होता है सर? इसका भी लिखेंगे तो वन अपॉन में मोलर वेट, ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे, और ये किसका है? एक्सपेरिमेंटल वाला, और ये किसका है? थियोरिटिकल। तो थियोरिटिकल ऊपर चल जाएगा सर, और ये कहाँ चल जाएगा? नीचे। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि आई बराबर जो होगा सर वो थियोरिटिकल कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। कैलकुलेटेड लिख रहे थे ना? अरे अच्छा मोलर मास किसका? मोलर मास किसका? अरे सॉरी कर रहे हैं, सो बोल रहे हैं, ये तो लिख दिए कैलकुलेटेड यार। अच्छा तुम लोग क्वेश्चन में फंस जाता है ना। का टेंशन हो गया सर। का है? किसका? सागर का? चलो लिख लो। अरे डर लग रहा है। देखो अच्छा, कभी ऐसा लिखा रहे तो कंफ्यूज मत हो जाना। कभी भी अगर नॉर्मल का बात करेगा ना, नॉर्मल नॉर्मल वैल्यू, तो नॉर्मल वही होता है जो हम लोग कैलकुलेट किया हुआ रहता है। जैसे इसमें क्या लिख सकते हो? नॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलर मास और नीचे ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ मोलर मास। ठीक है, तो आज हम लोग देखें कि आई का वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसमें एक हम लोग पूरा जैसे रिएक्शंस बता रहे थे ना, इस तरह से कि ए से बनेगा हम लोग को 2B ऐसा करके, फिर एक था कि 2B से हम लोग को बनेगा ए करके ऐसा, मतलब डाइमराइज होता है, एक बार हम लोग डिसोसिएट होता है। तो इससे हम लोग दो चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे, एक तो आई और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में हम लोग देखेंगे रिलेशन।
तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट्स ऑफ फैक्टर में किस प्रकार से रिलेशन है, यहीं से हम लोग को सवाल बनना स्टार्ट होगा, क्योंकि आई इतना जल्दी हम लोग निकाल पाएंगे क्या? नहीं ना, तो वहाँ से हम लोग को निकलेगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास जो रहेगा वो लास्ट क्लास होगा, और उसी में हम लोग पढ़ लेंगे गैसियन मतलब लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ को। तो हेनरी लॉ से सवाल ज़्यादा पूछता नहीं है, बस उसका कंसेप्ट वगैरह बता करके ख़त्म करना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।